व्हाट्सअप माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल यानी कि सीलियम हस्क के बारे में। और ये गाइज बैद्यनाथ का प्रोडक्ट है और इसके यूजेस, बेनिफिट, इस सारे चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूरा जानकारी आपको मिलेगा इसके बारे में, तो ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। चाहे आप नया हो सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज, ताकि आगे भी इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। गाइज चलिए बात करते हैं ये इसबगोल, इसको गाइज भूसी भी बोलते हैं। और ये गाइज कैसे बनता है, ये गाइज एक वेजिटेबल प्रोडक्ट है जो कि एक प्लांट है, प्लांटागो ओवाटा यानी कि इसको गाइज इसबगोल बोलते हैं। और प्लांटागो ओवाटा ये जो प्लांट का नाम है, उसका जो सीड होता है गाइज, वो सीड की ऊपर कोटिंग से ही ये बनता है। उसके सीड की ऊपर कोटिंग को प्रोसेस करके ये सीलियम हस्क बनता है। और इसको गाइज मेनली यूज किया जाता है हमारे घरों में, जो हमारे स्टोमक में टॉक्सिन्स होता है उनको क्लियर करने के लिए मेनली इसका यूज किया जाता है। और भी गाइज बहुत सारे इसका बेनिफिट्स है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसका जो ये गाइज हमेशा ही ध्यान रखें, बेस्ट क्वालिटी का सीलियम हस्क का बोले, और ये बहुत ही अच्छा है। इसको हमारे घर में भी यूज किया जाता है बैद्यनाथ का सीलियम हस्क को। और 5 to 10 ग्राम जो इसबगोल है उसको आप ले सकते हैं फ्रीली, एक ग्लास ऑफ वाटर में मिला के, या मिल्क के साथ, फ्रूट जूस के साथ, दही के साथ, लस्सी के साथ इसको आप ले सकते हैं। तो क्या करना है ना गाइज, आपको पानी में भिगो के रख देना है 5 to 10 ग्राम ऑफ इसबगोल को। तो ये गाइज बहुत ही अच्छी तरह एक जेल की तरह बन जाता है, आपने देखा होगा, तो उसको ही यूज किया जाता है। और ये गाइज पाइल्स की प्रॉब्लम जिनको रहता है, फिशर की प्रॉब्लम जिनको रहता है, उसको भी ठीक करने में ये मदद करता है। और उनके लिए गाइज बहुत ही बेनिफिशियल होता है, आइडियल होता है ये। और ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, प्रमोट करता है, और हमारा जो कॉलन होता है, कॉलन को भी क्लिनजिंग करने में मदद करता है, और एसिडिटी को भी कम करता है, और हमारे बॉडी में जो एक्सेस यूरिया होता है उसको भी रिड्यूस करने में मदद करता है। और डायरिया जिनको होता है, डायरिया के टाइम पे भी एक नेचुरल रेमेडी की तरह काम करता है। और ये गाइज वेट लॉस को भी प्रमोट करता है, वेट लॉस करने में भी मदद करता है। और ये गाइज हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होता है गाइज इसबगोल। गाइज ये इसबगोल हमारे इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब करके स्टूल की कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और गाइज हमारे जो डेली बाउल मूवमेंट्स है उनको भी रेगुलेट करने में ये मदद करता है। और ये गाइज जो हमारे बॉडी में सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है उसको डिक्रीज करता है थ्रू प्रॉपर एक्सक्रेशन ऑफ बाइल एसिड्स। बाइल एसिड्स की प्रॉपर एक्सक्रेशन करके सीरम कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है बॉडी में, जो कि गाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए। तो गाइज ये जो डब्बा आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसके अंदर गाइज आपको सीलियम हस्क की पाउडर आपको देखने मिलेगा पाउडर फॉर्म में। तो इसकी यूजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये गाइज रेगुलेट करता है हमारे बाउल मूवमेंट्स को और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वेट हमारे जो वेट को मैनेजमेंट में मदद करता है। और गाइज ये जो सीलियम हस्क है इसको आप 5 to 10 ग्राम ले सकते हैं, मिल्क के साथ हो या वाटर के साथ, या फ्रूट जूस के साथ, दही के साथ और लस्सी के साथ इसको आप ले सकते हैं। और इसको अगर आप रात में वार्म वाटर के साथ कंज्यूम करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। लेकिन गाइज एक चीज़ का ध्यान रखें, विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन इसका यूज ना करें। हमेशा ही इसको यूज करने से पहले डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें, डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करना है आपको। तो गाइज अगर हम बात करें इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो गाइज इसका जितना भी रेकमेंडेड डोज है उतना ही आपको लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इसको यूज करने से पहले डॉक्टर के साथ आपको कंसल्ट जरूर करना है। और ये चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है,
अगर आपको इसे एलर्जी होता है इस प्रोडक्ट से, तो इसको लेने से पहले डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट करें, इसको ना लें। अगर आपको हीलियम हस्क से एलर्जी होता है तो आप इसको ना लें और डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें यूज करने से पहले। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है कोई लेडी, या आपको अदर सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स है, आपकी बहुत सारे मेडिकेशन वगैरह चल रहा है, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसका अगर हम बात करें कॉमन साइड इफ़ेक्ट की, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, स्टोमक पेन, गैस या वोमिटिंग, इचिंग, रैश, अगर आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है इसको यूज करने के बाद, तो तुरंत ही डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, उनको बताइए। और जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें, और जितना भी इसका रिकमेंडेड डोज है उतना ही ले, और हमेशा ही इसको यूज करने से पहले डॉक्टर की एडवाइस जरूर लेना चाहिए आपको। सो टेक केयर गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।